जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब उनके सामने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की चुनौती है। जानिए जम्मू कश्मीर कैसे केंद्र शासित प्रदेश बना, अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और ये उमर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि क्या सरकार बनने के बाद उनकी पहली जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना होगी। अब चुनाव हो चुके हैं, सीएम की कुर्सी मिल चुकी है और बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। उमर अब्दुल्ला 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। तब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, राज्य के पास कई अधिकार थे। इसके बाद राज्य में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी और 19 जून 2018 को सरकार गिर गई। फिर अगस्त में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए धारा 370 और धारा 35A को खत्म किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह ये पूर्ण राज्य का दर्जा खोकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। समय समय पर यहाँ राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग करते रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आखिर मिलेगा कैसे, अब इसे समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन अब इससे पूर्ण का राज्य दर्जा देने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना होगा। लोकसभा में राज्यसभा में भी इसे पास कराना होगा और राष्ट्रपति के पास से अंतिम मुहर लगवानी होगी। इसके बाद ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। उमर अब्दुल्ला राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हालात देखते हुए साफ है कि उमर की राह बहुत आसान तो नहीं है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपने 3 लक्ष्यों को सामने रखा था, परिसीमन, राज्य में चुनाव और इसे पूर्ण राज्य दर्जा देने का फैसला। परिसीमन और चुनाव का लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब तीसरे कदम के और आगे बढ़ने का समय है। इस मामले में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर सरकार सही समय पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। गृह मंत्री पहले ही जम्मू में राज्य को लेकर यह फैसला लेने की बात कह चुके हैं। बड़ा सवाल है कि अब सरकार की ओर से इसको लेकर आधिकारिक बयान कब आएगा। चुनाव से पहले उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से जो वादे किए थे उसको देखते हुए साफ लगता है कि उमर की राह आसान तो कतई नहीं होगी। उमर ने वादा किया था कि सूबे में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली होगी, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा ऐसे कई वादे भी किए गए थे जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि चुनाव के बाद उमर के रुख में नरमी देखने को मिली थी। मतदान के बाद दिए बयान में उन्होंने कहा था कि वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि उमर अब्दुल्ला का बदला हुआ रुख और केंद्र सरकार के बीच तालमेल कैसे बनता है और कब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। IAS IPS अधिकारियों के तबादले, राज्य पुलिस और कानून व्यवस्था समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों के अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत मुख्यमंत्री को मिलने वाले कई अधिकारों में कटौती हो चुकी है। ऐसे में पूर्ण राज्य बनने के बाद ही ऐसे तमाम अधिकार उमर अब्दुल्ला को मिल पाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।